भारत में पीएम मोदी की सरकार से डरा पाकिस्तान। आरएसएस के खंड भारत के सपने ने उड़ाई पाकिस्तानी जनरल की रातों की नींद। डर के साए में जी रहा है भिखारी मुल्क पाकिस्तान। पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान की सेना, सरकार और इमरान खान की लड़ाई अब गरीब जनता पर भारी पड़ रही है। आर्थिक तंगी की मार झेल रहे पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। लोग भूखों मर रहे हैं, देश कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। लेकिन वहां की सरकार को अपने देश की चिंता कम और भारत की चिंता ज्यादा सता रही है। पाकिस्तान को सोते जागते सिर्फ भारत का ही डर खाया जा रहा है। ऐसा ही डर उसे अखंड भारत के सपने से भी लगने लगा है। दरअसल पाकिस्तानी सेना के एक पूर्व जनरल ने अखंड भारत की विचारधारा पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। बता दें कि पाकिस्तान में भू राजनीतिक संघर्षों और उसके आर्थिक प्रभाव पर एक सम्मेलन हो रहा था। इसमें पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर मोईद यूसुफ भी सम्मिलित हुए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बदलती भू राजनीतिक संघर्षों और उसके आर्थिक प्रभावों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। या तो हम बड़ी ताकतों की लड़ाई के बीच प्राची मैदान बन सकते हैं, या फिर एक ऐसा मॉडल बन सकते हैं जिसकी अस्थिरता पूरी दुनिया के लिए प्रतिकूल हो। पाकिस्तान में यदि किसी मुद्दे पर बात हो रही हो और भारत का जिक्र न हो, ऐसा संभव नहीं है। इस बैठक में आरएसएस एवं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार और उसके अखंड भारत के सपने को पाकिस्तान के लिए खतरनाक बताया गया। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान के पूर्व जनरल ने जहरीले बोल बोले हों। इसके पहले भी वह भारत और इजराइल को धमकियां देते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन न्यूज़।